ए प्राइम न्यूज इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज है। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर जो कर्नाटका के शहर बेलगावी से है। इस वक्त बेलगावी में जो एक मशहूर डॉक्टर है जिनका नाम जावेद खान पठान है, जो सफिया खानम रामतीर्थ नगर में एक बेहतरीन हॉस्पिटल है, लग्जरियस हॉस्पिटल है, जो उन्होंने हार्ट शुगर थायराइड का स्पेशल इलाज यहाँ पर करते हैं। और इनके यहाँ पर जो हर साल की तरह इस साल भी ग्यारहवीं शरीफ का प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसर, बहुत सारे लोग आते हैं और इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। इसी तरह आज इसी प्रोग्राम में जो हर साल की तरह इस साल जो कर्नाटका गवर्नमेंट के स्पीकर यूटी खादर साहब भी यहाँ पर पहुँचते हैं और इन्होंने भी ग्यारहवीं शरीफ का जो है लुत्फ उठाते हुए यहाँ कई लोगों से मुलाकातें करते हैं। और इसी तरह यूटी खादर साहब जो यहाँ पर पहुँचे और उनका इंतज़ाम किया गया खाने पीने का, और काफ़ी तादाद में लोग जो है उनसे सेल्फियाँ फ़ोटोज़ निकाले और उनसे मुलाकात की और बड़ी खुशी का इजहार किया है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद यूटी खादर ने भी काफ़ी खुशी से झूम उठे और लोगों से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद बड़ी खुशी का मुजाहरा करते हुए नज़र आ रहे थे। और इसी तरह इन्होंने यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोगों से मुलाकात के बाद पहुँचे और उसके बाद अपने काम में मसरूफ़ होते हुए इन्होंने निकल गए। डॉक्टर साहब जो जावेद खान के नाम से मशहूर हैं, इनका जो इलाज है हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और ये इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के अवार्ड भी उन्हें हासिल हो चुके हैं। इनके यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं और बड़ी खुशी से सेहत याब होकर लोग यहाँ से निकलते हैं। डॉक्टर साहब की एक खासियत है कि गरीबों के लिए हमेशा इन्होंने काफ़ी मदद करते हुए आ रहे हैं और इनका इलाज भी बिना किसी लिए बगैर उनका इलाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर साहब की यही खासियत है कि और उनके हाथों में इतनी शिफा है कि लोग काफ़ी दूर दूर से इनके हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। और ग्यारहवीं के मौके पर भी काफ़ी तादाद में उलमाए कराम, डॉक्टर्स, उनके दोस्त, अहबाब, रिलेशन, तमाम लोग यहाँ पर हाज़िरी दी और लोग जो है बड़ी खुशी से ग्यारहवीं के इस प्रोग्राम में हाजिर होकर काफ़ी खुशी और काफ़ी इत्मीनान अपने आप को जाहिर करते हुए नज़र आ रहे थे। ऐसे वक्त में यूटी खादर का आना भी एक काफ़ी ज़रूरी और बहुत ही खुशी का मंजर था। इसी मौके पर जो है बेलगावी कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर उदय कुमार भी पहुँचे और उनके साथ कांग्रेस के लीडर फारूक सौदत्ते भी रहे और भी कई सारे जानी मानी हस्तियाँ उलमाए कराम उनके यहाँ पर पहुँचे और ग्यारहवीं शरीफ का लुत्फ उन्होंने उठाया है। मौके पर सबसे अहम जो बात ये हुई है कि डॉक्टर साहब का जो हॉस्पिटल बना है इसे 30 साल पूरे हो चुके हैं और इन्होंने 30 साल में कई हज़ारों पेशेंटों का इलाज किया है जो काफ़ी मशहूर हैं और काफ़ी काबिल तारीफ़ हैं। और इसी मौके पर जो है यूटी खादर ने इस 30 साल के पूरे होने को अपने हाथों से रिबन काट कर उनका खुशी का और बड़ी ही इत्मीनान का इजहार किया और डॉक्टर साहब की काफ़ी तारीफ की, क्योंकि डॉक्टर साहब के हाथों में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी शिफा और कामयाबी दी है जो आज के इंसानियत के लिए और महंगे मेडिकल के दौर में जो है काफ़ी ज़रूरी है। आइए देखते
खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।